गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग चाय नाश्ता करके, जो हमारा स्प्राउट्स वगैरह जो डेली होता है हेल्दी, वो खा के अब हम बैठे हैं। मम्मी जहाँ पे बगल के, यहाँ पे शादी है ना, मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ उस घर में गई हैं कुछ पूजा पाठ करने। और पापा का, जैसे कि आप जानते हैं, ऑपरेशन हुआ था, तो चश्मा अब ब्लैक वाला निकल गया, और अब उनको नंबर का चश्मा देंगे। तो पापा उसकी इंक्वायरी के लिए गए हैं, जा रहे हैं मतलब। और ये बंदा एडिटिंग कर रहा है हमारे व्लॉग की। और मैं ना, मैं एक्चुअली ऑनलाइन मेरी बहन के लिए साड़ी देख रही हूँ। उसको एक शादी में जाना है, तो वो मुझे बोल रही थी कि तू ढूंढ दे, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं ले लूँगी। तो अब मैं ऑनलाइन इस पर उसके लिए साड़ी ढूंढ रही हूँ, जो थोड़ी सी पार्टी वेयर हो। जब फाइनल होगी ना, और अगर वो लेगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी हमने ली थी। तो चलिए मिलते हैं, अब कुछ अपडेट रहेगा तो आपको ज़रूर देंगे। हमने थोड़ा सा संतरा ख़त्म किया, और अब पापा भी आ गए चश्मे के दुकान से, और मम्मी भी आ गई। तो दाल चावल, दाल हो गई है, चावल हमने चढ़ा दिया। और आज बन रही है ब्रोकली की, क्या बन रही है, ग्रेवी सब्जी, जो हमने कभी नहीं बनाई। हम हमेशा सौते ही बनाते हैं इसका, मगर आज ग्रेवी की सब्जी बन रही है। क्या क्या रहेगा इसमें, ब्रोकली, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर, और साथ में अलग बनेगा पनीर, मटर पनीर, मटर पनीर। और ये दाल हो गई, और यहाँ चावल हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ये मटर पनीर के लिए प्याज का, टमाटर काट रहा है, कटेगा ना। हाँ हाँ, कटेगा कटेगा, डालना है। तो दोनों जन लगे हुए हैं, और पापा उधर फोन देख रहे हैं, क्योंकि पापा का अब चश्मा उतर चुका है, और डॉक्टर ने बोला है आप जो करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हेड शेफ बता रहे हैं कैसे बनाना है मम्मी को। आज के हेड शेफ ये हैं, डेली का मैं ही होता हूँ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। तो आज बनेगी दो ग्रेवी की सब्जी, ब्रोकली ग्रेवी नहीं बनेगी। अच्छा, टमाटर की वजह से। अच्छा, ऐसे लुटपुट टाइप। हाँ। हल्की बस नमक डाल देंगे तो थोड़ा पानी, वही जो टमाटर छोड़ देगा वही। तो मतलब इन शॉर्ट एकदम हल्का सा, और मेन ग्रेवी फिर पनीर की रहेगी। तो देखो कांदा कट गया, अब ये टमाटर भी पीसोगे नहीं क्या, ब्रोकली में नहीं और पनीर में, पता तो पीस लेंगे। वो बन रही है गर्मा गर्म पूरी। सिर्फ मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा वन मंथ चैलेंज है, तो मैं रोटी खाऊंगा। पक्का? ऐसा कैमरे पे बोलते हैं। मैं ये भी शूट करूंगी जब खाने बैठोगे। और सारी सब्जी तैयार हो गई है, ये देखो, ये है पनीर, मटर पनीर, और ये ब्रोकली की, ये हल्का मसाला है इसमें, और ये चावल भी रेडी है, दाल भी, और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी। और यहाँ पापा आराम से टीवी देख रहे, जगह बदल दी है इन्होंने, अब यहाँ देख रहे, पहले वहाँ देख रहे थे। और अब हम लोग खाना खाने को बैठेंगे। खाना ये इन्होंने अभी कहा था कि मैं रोटी खाऊंगा क्योंकि मैं डाइटिंग पे। नहीं, मैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए खा रहा हूँ। दिख रही है थाली में पूड़ियाँ, तो खाली दिखाने के लिए। हाँ। अच्छा, कैसी बनी है? अच्छी है। तो अब खाना शुरू कर दिया है सबने, मैं भी लूंगी। और ये डाइटिंग पे, ये जनाब पनीर और भुर्जी, पनीर तो डाइट का वो है। अच्छा, छोटे डाइट का हुआ, पूड़ी भी डाइट का है, इतना डाइट है तो एक पूड़ी चल जाती है। अच्छा ठीक है, चलो अब खाते हैं। पापा को तीखा है क्या पापा? तौन भाए, तौन भाए।
पापा जब तीखा खाते हैं ना उनको हिचकी आती है। अभी पापा को जिनके घर पे शादी है वो बुलाने आए थे। कि ये कुछ करती नहीं है, दिन भर मैं इसको बोलता हूँ कैमरा पकड़ लो, मैं काम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, पर नहीं, इसको तो खाली या तो ये खाना बनाती है या खाना खाती है और या सोती है। इसको तीन काम आते हैं, उस तीन काम के अलावा कुछ नहीं करती है। मैंने इसको बोला भाई कैमरा उठाओ, थोड़ी अपनी बातें भी जो बोलते हो मस्ती मजाक है वो भी शूट करो। नहीं जी, बस तो सोने से मतलब है, आज भी 4 घंटे सोई है। हाँ मेरी आंख सूज गई है, 4 घंटा नहीं, मेरा नींद 8 घंटे सोई है, नींद ठीक से नहीं हुई इसलिए आंख सूज गई है। 12 घंटे सोई है। नहीं मैं दोपहर को सो गई थी थोड़ा, तो अभी मम्मी नीचे गई है, मम्मी को लेडीज बुलाने आई थी, कल कोई पूजा है उसके लिए, और पापा को जिनके घर पे शादी है ना उनके घर पे वो उसका बाप बुलाने आया था, मतलब पापा तो बाप पापा एक ही होता है, मेरी बिंदी गिर गई, तो वो बुलाने आए थे, तो अभी पापा गए नहीं, और हम लोग अभी सोच रहे थे कि एडिटिंग कर रहे हैं, क्या करें हम, नहीं कोई नहीं बुला रहा है कहीं, डिसीजन नहीं आ रहा है। चलो मैं ना आपको बाहर का दिखाती हूँ, मैं एक्चुअली अभी आई ना तो मैंने देखा नहीं बाहर का क्या सीन है, देखते हैं भाई शादी के घर में क्या सीन है, वैसे तो इधर से दिखेगा नहीं। ये देखो नीचे सब लोग बात कर रहे हैं, और ये शादी का घर, और वहाँ दिख रहा है लेडीज सारी, देखो उधर मेरी मम्मी भी है, लेडीज सब। अरे हाँ मैं ना आपको बता दूँ, अभी लाइट देखते हो इधर है कि नहीं, ये देखो ये ना पुदीना हमने लाया था ना, तो उसको 2 दिन ग्लास में रखा था कि जड़ आ जाए, और फिर आज हमने पुदीना लगाया है। तो आज अभी हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं, और कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज़ तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि ये बना लो वो बना लो, पर आज समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा। पापा भी आ गए, तो कुछ फाइनल हो गया? नहीं, बहुत ही चिंता है गाइस, बहुत ही चिंता है। और पापा क्या फाइनल हुआ फिर? कब पापा नीचे से मीटिंग करके आए, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जाने का समय फिक्स हुआ है फिर शादी में? ये देखो ये चर्चा हो रही है, पापा को जो शादी का घर मैंने दिखाया था ना उधर बारात के लिए, तिवारी तो फिर जब सब साथ में तो तिवारी वही है लौट के, तो यही तो बात हो रही है कि अगर ये जाएंगे तो लौट आएंगे, तिवारी जी तुम्हें कहीं अगर आप आओ भैया तो हम लौट के चले आए, ये तो बतिए भाई। तो तब जाओ, पापा का जो मन था वो अभी तक किसी तरह दबा के रखे हुए थे, लेकिन फाइनली हमें लग रहा है कि नहीं, बात उनके मन की नहीं, जब सामने वाले इतने बुला रहे तो फिर वो जाएंगे ही ना, पापा के जाने का शायद कार्यक्रम फाइनल हो चुका है, पापा जाएंगे बराते तो आज हमारे घर पे सब कोट वोट निकलेगा बढ़िया, शायद हो सकता है पापा से कोशिश करेंगे कि पापा भी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लें और हमें वो व्लॉग बना के फिर व्लॉग में डाल देंगे। हाँ मतलब पापा वहाँ की डेकोरेशन वो सब शूट कर ले, ऐसा देखेंगे अगर पापा को जमा तो, ऐसे शूट तो पापा कर लेते हैं, बैकग्राउंड वॉइस हम दे देंगे गाइस। हाँ पापा, पापा का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? हाँ बताओ क्या बनेगा खाने में, कब से वही चल रहा है, थोड़ी सी दाल है, हमारे घर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर क्या बनेगा, और इसी बीच एक 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 प्रस्ताव पुलाव पुलाव खा, लेकिन फिर मम्मी के लिए 2 रोटी बना दूंगी। तो चलो फाइनली डिनर फाइनल हो गया, पुलाव इनकी तरफ से, दही फ्राई इनकी तरफ से, रोटी तो मम्मी का तो फिक्स ही है, सादा सादा जीवन उच्च विचार, मैं तो जो बनता है सब खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी मैं गुड गर्ल हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो चलो अब हम बढ़ते अपने पुलाव की तरफ, ये देखो 8 बज गए ना, तो अभी हमने हमारा व्लॉग डाला है, तो अभी हम हमारा व्लॉग देखेंगे, तो और ये देखो फाइनली खाना डिसाइड हो गया कि पुलाव और रायता,
तो मैं मटर वटर छील रही हूँ। और ये देखो ये है ना पंजाबी तड़का है, ये हमारे घर में बहुत खाते हैं, आप लोग भी ये ट्राई करो, टेस्टी होता है। ये देखो सब घर के बाहर भाग के आ गए, क्यों? क्योंकि मैं मिर्ची डालना भूल गई थी दही तड़के में, और इस बंदे ने ऐसी मिर्ची डाली कि हम सब घर के बाहर आ गए। पापा के आँख से आंसू निकल रहे, इतना जोर का तड़का लगाया मिर्ची का। ये देखो मम्मी भी आ गए, चीखते 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 सब बाहर आ गए, और चिमनी चालू है अंदर सब, और हम बालकनी में आ गए। तो गाइस फाइनली हमारा पुलाव तैयार है, और ये मेरा पापड़। पापड़ भून रहे, अभी भी हमको खांसी आ रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मचाया भूल दिया था। अब मैं आपको पुलाव दिखाता हूँ, और ये देखिए, ये देखिए सारी वेजीज के साथ वेज पुलाव तैयार है हमारा। ये देखो अब खाने को बैठ गए सब लोग, मस्त है, खाओ खाओ तो है। अच्छा पापा तो खा ही नहीं, कैसा है मम्मी? खाओ खाओ तो देखो ये पापड़, अब हम लोग शुरू करते खाना।